नमस्कार किसान भाइयों, आज फिर से मैं आपका मित्र जितेंद्र सिंह चौहान, तहसील टांडा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, उत्तर प्रदेश से। तो जैसा कि पहले भी मैंने कई बार बताया है कि मेरा यूट्यूब पर चैनल है जीएस राजपूत सोलर पंप एंड सोलर टेक के नाम से, और उस पर मैं सोलर पंप से रिलेटेड या सोलर से रिलेटेड जानकारी देता हूँ। सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि जिन भी देखने वालों ने, हमारे भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं नई से नई वीडियो डालता रहता हूँ सोलर के बारे में, तो ताकि आपको मेरी वीडियो जल्दी से जल्दी देखने मिल जाए। तो आज देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक छोटी सी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ सोलर वाटर पंप डीसी मोनोब्लॉक 2 HP की। तो ये मैंने अपने खेत पर चलाया हुआ है, और आजकल काफ़ी सारी डिमांड भी आ रही है कि भाई हमको लगवा दो, हमको लगवा दो। तो मैं कई जगह लगाने जाना भी है, लगवाया भी है, और जो है आज देखिए दिखाता हूँ इसमें क्या जानकारी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने 300 वाट के पैनल लगाए हुए हैं। जनरली मैं इसको 6 पैनल पे चलाता था, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 पैनल की है, लेकिन आज मैंने 8 पैनल पे ये चलाया है। उसका कारण ये है 8 पैनल पे चलाने का, कि अगर हम 8 पैनल सुबह से लगा देते हैं तो लगभग हमें पानी का जो फोर्स है जो, वो अच्छा खासा आना शुरू हो जाता है सुबह से ही, और पूरे दिन अच्छा खासा फोर्स रहता है, और आपकी भराई जो है, मतलब सिंचाई ज़मीन की, वो ज़्यादा हो जाती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये 300 वाट के यहाँ पर मैंने 8 पैनल लगाए हुए हैं। पहले भी काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है मैंने, 6 पैनल पे चला के दिखाया हुआ है। और ये यहाँ पर देखिए 2 HP का रोटोसोल का DC सोलर वाटर पम्प चल रहा है मोनोब्लॉक, ये देख सकते हैं आप, ये रहा। और इसका परफॉर्मेंस देखिए, ये क्योंकि 8 पैनल लगाने का मतलब है कि इसको 25 एम्पियर चाहिए होते हैं और 60 वोल्ट, तो इसको कॉन्स्टेंटली 25 एम्पियर मिल रहे हैं, 60 वोल्ट मिल रहे हैं, तो ये अपनी फुल पावर के साथ इस समय पर पंप जो वर्क कर रहा है, और वाटर लेवल जितना ऊपर होगा उतना ही अच्छा ये काम भी करता है। तो हमारे यहाँ तो लगभग 25-30 फीट पर वाटर लेवल है, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा 35 फीट तक जाता है, और क्या कहते हैं, बरसात के दिनों में तो और ऊपर आ जाता है, जाड़ों में जैसे 20 फीट के आसपास आ जाता है। तो अभी मान के चलिए 25 फीट या 30 फीट वाटर लेवल यहाँ पर है। तो आप देख रहे हैं सभी किसान भाई इसको, तो मेरा जो इसको दिखाने का मतलब है वो यही है कि आप इसका परफॉर्मेंस देखिए। तो दोस्तों ये रहा इसका परफॉर्मेंस, यहाँ पर ये चल रहा है, ये कंट्रोलर है इसका, ये मोटर है, और ये यहाँ पर देखिए चल रही है। और परफॉर्मेंस कैसा है आप खुद देख सकते हैं, मेरे बताने क्या कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर ये बोरवेल है गड्ढे में, यहाँ पर इसको लगाया हुआ है, और ये यहाँ से पानी देखिए इसमें आ रहा है, और ये यहाँ से होकर के ये हमारे गन्ने में इधर जा रहा है, गन्ने की सिंचाई चल रही है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना पानी अगर ये सुबह से शाम तक देगा, इतनी क्षमता के साथ ये पानी देगा, तो आप लगा सकते हैं कि 6 बीघे ज़मीन तो आप इससे सिंचाई कर ही सकते हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतना पानी देगा। देखिए 2 इंची का इसके ऊपर 2.25 इंची का पाइप है, और इसका फोर्स देख सकते हैं आप, कितना अच्छा फोर्स आ रहा है इसका पानी का। तो मेरे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है सभी को। और देखिए एक मोटर ही यहाँ पर स्पेयर में हमारी रखी हुई है, एक ही नहीं काफ़ी सारी मोटर हैं। मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी किसान भाई को ये लगवाना हो, पूरा सेट लगवाना हो, या खाली मोनोब्लॉक मोटर चाहिए 2 HP की DC में, या 3 HP की चाहिए DC में, तो मुझे संपर्क करें। अपना नंबर मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं, और मुझे संपर्क करें, आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा और कैसे लगेगा क्या होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं। तो ज़्यादा कुछ ना कह करके मैं वीडियो को यहीं पर विराम कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने फुल डिटेल में जानकारी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप इसका परफॉर्मेंस देखें, और डीजल के रेट कितने बढ़ गए हैं आपने देखा ही है, तो आने वाले दिनों में खेती को कितनी ज़रूरत है। और जहाँ पर वाटर लेवल ऊपर है, ऊपर ये 30-40 फीट तक, तो यहाँ ये बहुत अच्छा काम करता है, आप देख सकते हैं इतनी क्षमता के साथ काम करेगा। और बाकी अगर जिसके यहाँ और ऊपर है, भाई कोई कहते हैं 15 फीट पर, कोई कहता है 10 फीट पर, तो वहाँ तो और इससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। या किसी को नदी से पानी खींचना होता है, तालाब से खींचना होता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, आप इसको चला सकते हैं कम से कम पावर में, बहुत अच्छा वर्क करेगा एकदम से। तो देखिए ये यहाँ पर पानी का जो फोर्स जो घट बढ़ रहा है, थोड़ा हमारे बोरवेल में मिस्टेक है, उसकी वजह से इसका जो फोर्स है ये घट बढ़ जाता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया चलता है। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि ये कितनी अच्छी पावर के साथ काम कर रहा था, और अभी भी देखिए यहाँ पर कर ही रहा है ये। तो धन्यवाद किसान भाइयों हमारी
चैनल के साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को मैं अब विराम करता हूँ। सभी का आपका देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।